तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए मैक्रोज पावर प्रोग्रामिंग। और जैसे कि हमारी लास्ट क्लासेस में हमने दो ऑब्जेक्ट को पढ़ा, वर्कबुक को पढ़ा, हमने वर्कशीट को पढ़ा और कुछ एप्लीकेशन के भी एक दो एग्जांपल देखे थे। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेंज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अब रेंज इम्पोर्टेंट क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, इन वर्ड में क्यों यूज किया, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हेलो सर, हेलो बोलिए सर, शरद बोल रहा हूँ। आपने मैसेज नहीं किया ग्रुप पे? नहीं, मैसेज तो किया है ग्रुप में, ये तो बाकी लोग ज्वाइन किए हैं। नहीं सर, 10-20 वाले ग्रुप पे। अच्छा हाँ, उस पे नहीं कर पाया, प्लीज आप कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया, देख रहा था मैं। आप एक बार कर दीजिए ना, मेरा फोन मेरे पास में नहीं है, बेसिकली मेरा बैठा लेके चला गया। ओके okay, कोई बात नहीं सर, आज की इस पे लिंक भेज दीजिए। मेरे बेटे का यूट्यूब चैनल चलता है तो एक वीडियो बनाने के लिए ले गया मैं मोबाइल उठा के। 5 साल का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए तो कुछ दांत दबस नहीं करता उसको। कर दीजिए सर, सॉरी सर। ओके सर, तो कोई बात नहीं सर, हम रेंज पे डिस्कस कर रहे थे। रेंज क्या करता है, राइट? प्लीज म्यूट कर लेंगे आप अपने आप को सारे लोग? सादिक जी म्यूट करेंगे, बैकग्राउंड से नोजे जा रहे हैं सर। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डेटा है, अब मुझे इस डेटा पे कुछ भी करना हो तो सिलेक्शन करनी पड़ेगी ना, हमें पिवट लगाना है, हमें डेटा टाइप करना है, हमें फॉर्म बनाना है, हमें पिवट कुछ भी करना है, रिपोर्ट डैशबोर्ड कुछ भी करना है, वो हम रेंज पे ही करते हैं। तो आज मैं आपको रेंज का ही सिलेक्शन मेथड बताएंगे कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा, हाउ कैन सिलेक्ट द रेंज, इसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे इस वीवीए क्लासेस में। चलिए, हमने एक इसमें अल्ट एफ 11 किया या फिर मैं डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे डेवलपर वीवी एडिटर आ गया। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और अपना माइक्रो का नेम देता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब मेरा माइक्रो आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किसी रेंज पे जाएंगे कैसे। समझिए, A1 पे कर्सर, मान लीजिए A1 पे कुछ रखेंगे, कर्सर रखेंगे तभी तो इसमें कुछ कर पाएंगे, चाहे कलर हो, फॉर्मेटिंग हो या फिर किसी भी तरह का डेटा एंट्री हो। तो उसके दो तीन तरीके हैं, एक है हमारा रेंज A1.select या दूसरा है सेल्स 1.1.select। 1.1 क्या है, एक रो, वन रो एंड कॉलम। मान लीजिए C3 पे जाना है, C2 पे जाना है, तो ये तीसरा नंबर कॉलम एंड दूसरा नंबर रो। तो यहाँ रो में 2 देना होगा और कॉलम में 3 देना होगा, तो वो C3 पे जाके C2 पे जाके सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आपका सेल्स क्या होता है, तो दोनों का अलग अलग यूजेज है और उनके यूजेस भी हम आपको बताएंगे। राइट, तो अब बात हुई कि अगर आपने यहां पे लिखा एक ए हो गया, तीसरा होता है एक्टिव सेल, एक्टिव सेल जो एक्टिवेट है, और चौथा होता है आपका सिलेक्शन, क्योंकि एक सिलेक्टेड एरिया है। तो चार तरीके होते हैं कि एक पर्टिकुलर एड्रेस के अकॉर्डिंग या आपका R1C1 के अकॉर्डिंग या एक्टिव सेल के अकॉर्डिंग या सिलेक्शन के जरिए हम रेंज को कॉल करते हैं। अब इन चारों का यूज मैं आपको अभी धीरे धीरे बताता हूं क्या होगा। मान लीजिए मुझे A1 पे कर्सर रखना है तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंज A1.activate या select, दोनों सेम ही है। सिंगल सेल को एक्टिवेट करो या सिलेक्ट करो, बोथ सेम है, लेकिन जब एक सीधा सेल हो वहां पे एक्टिवेट तो वहां पे सिलेक्ट होगा। तो A1 जो एक्टिवेट हुआ हमारा, ये किसका A1 है, आपकी एक पर्टिकुलर एक एक्टिव सीट, जो सीट माइक्रो रन करते समय, जब मैं RR को रन करूंगा तो रन करते समय जो हमारा सीट एक्टिव होगा उसी को, उसी के A1 को सिलेक्ट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं सीट
थ्री के A1 को सिलेक्ट करना। तो उसके भी कई तरीके हैं, सीट का कॉलिंग मेथड यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे सीट और यहाँ पे लिखेंगे सीट थ्री, जो भी सीट का नाम बाहर दिख रहा हो डॉट सेलेक्ट, राइट। तो आप पहले सीट थ्री को सिलेक्ट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, देन A1 पे कर्सर रखेंगे, क्योंकि बिना सीट पे जाए हम किसी सेल के ऊपर कर्सर तो नहीं रख सकते ना कैसा जी, ऐसा कर सकते हैं? हेलो, बिना सीट पे जाए रेंज के किसी रेंज में एक्टिवेट कर सकते हैं? रेंज को एक्टिवेट नहीं सर, सीट पे जाना जरूरी है। और ये कौन सी सीट थ्री कौन सी है? हमारी एक्टिव फाइल। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास डिफरेंस फाइल है, जैसे बुक टू है हमारा, मैं बुक टू के सीट टू में मैंने कंट्रोल एन किया, ये हमारा बुक फाइव है, मान लीजिए बुक फाइव के सीट नंबर थ्री के A1 पे जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे अपना बुक फाइव को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे वर्क बुक्स और यहां पे हम लिखेंगे बुक फाइव डॉट, उसका एक्सटेंशन जो भी एक्सटेंशन है, जैसे मेरा एक्सएलएस एम है डॉट एक्टिवेट। तो पहले वो फाइल को एक्टिवेट करेगा, देन सीट को एक्टिवेट करेगा, देन सेल को एक्टिवेट करेगा। तो कहीं भी आपको कॉल करना हो तो ये सारा लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता है कि मैं जहां पे इवेंट करने वाला हूं वो सीट ही एक्टिव होगा, यूज द ओनली फॉर रेंज A1 डॉट एक्टिवेट, यानी जो भी रेंज है उसका एक्टिवेट। लेकिन आपको पता है कि नहीं नहीं मुझे रेंज सीट थ्री में जो फाइल हमारा एक्टिव है उसी की सीट थ्री से A1 पे जाना है, तो सिर्फ हम इसी दो लाइन को लिखेंगे। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल के किसी पर्टिकुलर सीट के किसी पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना है तो मुझे तीनों लाइन लिखना पड़ेगा। तो ईशा जी एंड बाकी ऑल, सरद जी, संतोष जी एंड सादिक जी, हाँ सर अब समझ में आ गया कि रेंज को क्यों एक्टिवेट करते हैं। समझ गए? यस सर। ओके, तो एक्टिवेट मतलब कि वो जाके वो कर्सर रख देगा, लेकिन मुझे अगर एक रेंज को सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ बुक वन के सीट वन को ही पूरा रेंज को सिलेक्ट करना है, जो कि है A1 से लेके G21, मुझे कॉपी करना है सिलेक्ट करके, कुछ और करना है फिलहाल मान लीजिए कॉपी करना है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में यहां लिखेंगे रेंज A1 से G21 डॉट सेलेक्ट। अब यहां पे एक्टिवेट नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिव सिर्फ सिंगल सेल हो सकती है, एक से ज्यादा सेल हो तो सिलेक्ट करना होगा। तो एक तरीका तो ये है जो कि नॉर्मल एक्सेल से एक्सेल में कोई फॉर्मूला वगैरह में आप कोई रेंज देते हैं तो इस तरह से देते हैं ना कि सम एक एरिया को आप ले लेते हैं, इस तरह देते A1 से G21। देखिए इसका मेथड तो मेनफिक्स रेंज में होता है, लेकिन एक और तरीका है हमारे पास, वो है रेंज A1, G21 डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करता है, ये आपका यहाँ स्टार्टिंग पे कर्सर रखता है और शिफ्ट प्रेस करके सबसे लास्ट को सिलेक्ट कर देता है। तो ये VVA मेथड है कि आप स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज लिखे अलग अलग कॉमा लगा के, और आगे क्यों लिखते हैं इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इस तरह की चीज इस्तेमाल करते हैं। तो सर सबको एक एरिया सिलेक्ट करना आ गया ना? यस सर। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एरिया अब एरिया अगर एक्टिव सीट का है तो देन ये कोड इस्तेमाल होगा, अगर एरिया कोई पर्टिकुलर सीट का है तो उससे पहले उसका सीट वो सीट यहां सिलेक्ट करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर फाइल का है तो इससे पहले उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा,
ये आप अपने खुद इमेजिन कर लीजिएगा कि हाँ अगर है तो मैं देना है, नहीं है तो नहीं देना है, राइट ठीक है ना सादिक जी, है ना ईशा जी? यस सर। उससे थोड़ा भी चलिए कुछ प्रॉब्लम है क्या पीसी में?